हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग अबाउट बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग बाय लॉ। बिल्डिंग बाय लॉ के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या हमें फॉलो करने चाहिए जब भी हम कभी प्लानिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो शायद थोड़ा सा बड़ा हो और मैं सारे टॉपिक्स तो नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है, तो मैं आपको इसको सबसे पहले बता देता हूँ। आपको मैं इसको PDF को दे दूँगा आपको लिंक में, साथ ही साथ क्या बोलते हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले जब बिल्डिंग को देखते हो आप, तो ये देखिए यहाँ पे एक है स्लम एरिया, और ये आप देख सकते हैं बहुत ढेर सारी छोटी छोटी बिल्डिंग है, और एक है डेवलपमेंट एज पर लॉस। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग कम हैं, यहाँ पे भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसको सिस्टमेटिक बना दिया गया है, ठीक है। बट इसको देखिए आप, ये सिस्टमेटिक बन नहीं पाया, तो इसमें एक तो दिक्कत क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट ज़्यादा है। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट मीन्स एक फ्लोर दो फ्लोर की बिल्डिंगें ज़्यादा है। ये है वर्टिकल डेवलपमेंट। तो वर्टिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि कम जगह में ज़्यादा लोग रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्टिकली एक फ्लोर दो फ्लोर तीन फ्लोर पर जा सकते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इस तरीके का लॉ अगर हमने पढ़ा है, तो हम अच्छी तरीके से एरिया को डेवलप कर सकते हैं। What is building by law? The first question is in your mind, what is building by law? The rules and regulation framed by town planning authorities covering the requirements of building ensure safety of the public through open space, minimum size of rooms and height and area limitation are known as building by law. मीन्स आपको वहाँ पे सेफ्टी देनी है कि सेफ्टी है, और स्पेस होना चाहिए एक इंसान को वहाँ पे अच्छे से ऑक्सीजन लेने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, उसको बोर नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ रूम, जो एक क्वांटिटी होती है, वही रूम का साइज़ देने का। आप 20x50 का रूम दे दोगे, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, बट 5x5 का दे दोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एरिया को सिस्टमेटिक प्लान करना, जैसे कैरियर को सिस्टमेटिक प्लान करते हैं, वैसे एरिया को सिस्टमेटिक प्लान करना ही बिल्डिंग बाई लॉ कहलाता है। ओके, चलिए। रूल्स एंड रेगुलेशन विच लार्जली रेगुलेटेड द बिल्डिंग एक्टिविटीज शुड बी फॉर्मुलेट टू गेट डिसिप्लिंड ग्रोथ एंड बिल्डिंग एंड द बेटर प्लान डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटीज, जो अच्छे तरीके से प्लान कर सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग बाई लॉ, प्री प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटीज, जो आगे होने वाला है पहले से ही हम लोग प्लान करके रख लें, जैसे कि कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना आए और हम उसका फ्यूचर देख सकें कि बनने के बाद कैसा दिखेगा। अलाउ ऑर्डरली ग्रोथ एंड प्रिवेंट हजार्ड डेवलपमेंट्स। प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ यूजली एफोर्ड सेफ्टी अगेंस्ट फायर नॉइज हेल्थ एंड हजार्ड एंड स्ट्रक्चर फेल्योर। आपको देखना है स्ट्रक्चर फेल ना करें, ठीक है, हेल्थ की प्रॉब्लम ना आए, आवाज़ वहाँ ज़्यादा ना हो, फायर प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे, फायर सेफ्टी हो वहाँ पे, ये सारी चीज़ें बिल्डिंग बाय लॉ के अंदर देखी जाती है। प्रोवाइड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस टू अचीव मैक्सिमम इफिशियंसी इन द प्लानिंग्स, मीन्स छोटे जगह को मैक्सिमम कैसे यूज किया जा सके, वो भी हमें बिल्डिंग बाय लॉ में ध्यान देना पड़ता है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे क्या है बिल्डिंग बाय लॉ, तो दोस्तों आपको बता दूं, बिल्डिंग बाय लॉ एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। जब भी कभी हम सबमिशन ड्राइंग बनाते हैं, उसमें इनको हमको फॉलो करके ही ड्राइंग को तैयार करना पड़ता है, नहीं तो आपकी ड्राइंग, आप आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाओगे तो वहाँ पर पास नहीं होगी, क्योंकि वो बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो इसीलिए नॉर्मल लोग बिल्डिंग को प्लान नहीं करते, नहीं तो कोई भी प्लान कर सकता है ना, बट जिसको बिल्डिंग बाय लॉ आता है वही जाके बिल्डिंग का प्लान करे तो बेटर होता है, वही करता भी है मैक्सिमम। दे प्रोवाइड हेल्थ सेफ्टी एंड कंफर्ट पीपल हु लिव इन बिल्डिंग्स। ड्यू टू दीज बाय लॉज ईच बिल्डिंग्स विल हैव प्रॉपर अप्रोच लाइट एयर एंड वेंटिलेशन। कुछ लोगों को घर में देखा होगा बिल्डिंग बाय लॉ से नहीं बना होगा उनका प्लानिंग, तो अंधेरा आ रहा है घर में, किसी रूम में दिखता ही नहीं जब तक लाइट ना जलाओ, तो दिस इज़ द रीज़न कि आपने बिल्डिंग बाय लॉ के रूल को नहीं फॉलो किया, आपके बिल्डिंग के बिल्डर ने नहीं किया है। स्कोप ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ, एक्सपेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग इन बिल्डिंग बाय लॉस, बिल्डिंग फ्रंटेज लाइन, मिनिमम प्लॉट साइज, बिल्ट अप एरिया ऑफ बिल्डिंग्स, हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, प्रोविजन ऑफ सेफ्टी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन।
आपको देखना पड़ता है फ्रंट का एरिया क्या है, मिनिमम प्लॉट क्या है, बिल्ट अप एरिया ऑफ बिल्डिंग कितना है, मतलब कहाँ कहाँ कितने बना सकते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग उस सिटी में कितना रख सकते हैं, सेफ्टी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, प्रॉपर लाइट एंड ऑल, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्पेसिंग, स्पेसिंग कितना दे सकते हैं उसके लिए, स्ट्रक्चरल ऑफ साइज ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट मीन्स बीम है या कॉलम है तो उसका क्या साइज रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग बाय लॉ न्यू कंस्ट्रक्शन में होगा ऑफकोर्स, एडिशनली एंड अल्टरनेशन और टू द बिल्डिंग, अगर आपकी बिल्डिंग बनी है उसमें कुछ चेंजिंग कर रहे हो तो वहाँ भी फॉलो करना पड़ेगा, चेंजिंग ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल, एजुकेशन एक्सेट्रा, डेवलपमेंट ऑफ लोड इज अंडरटेकन इन डिमोलिशन, ऐसे जगहों पे आपको बिल्डिंग वैलो को फॉलो करना पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज, तो एरिया दोस्तों आपको, आपने कुछ लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा जैसे बिल्टअप एरिया पढ़ा होगा, प्लिंथ एरिया पढ़ा होगा, उसके बाद फ्लोर एरिया पढ़ा होगा, कारपेट एरिया, और उसके बाद सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया मीन्स उसके अंदर पार्किंग वगैरह ऐड हो जाएगा, कारपेट एरिया मीन्स यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल एंड फ्लोर एरिया, उसके बाद फिर प्लिंथ एरिया, फिर चलो आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बिल्टअप एरिया देखते हैं, द एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग इमिडिएटली अबव द प्लिंथ लेवल इट इज ऑल्सो नोन एज कवर्ड एरिया, ठीक है, जो आप आपकी बिल्डिंग के लिए स्पेशली बनी हुई है, मतलब एरिया, दैट एरिया इज कवर्ड एरिया। डिटेल्स टू बी इंक्लूडेड एंड डिटेल्स टू नॉट बी, मतलब क्या क्या रखना चाहिए इसमें ऐड होना चाहिए वो देखो, बेसमेंट आपका, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, रैम्प्स, स्विमिंग पूल, रिजर्वायर, चिमनी एंड वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, ऐसे जगहों को हमको देखना पड़ता है उसका बिल्टअप एरिया। स्टेप्स के लिए नहीं देखना पड़ता, ओटा के लिए नहीं देखना पड़ता, कुंडी के लिए नहीं, सोफा पिट के लिए नहीं देखा था, फाउंटेन के लिए नहीं देखा था, वाटर टैंक के लिए और मैन होल के लिए नहीं देखा जाता, मतलब किसके लिए हमको देखना है अपना जो भी हम बिल्टअप एरिया देख रहे हो किसके लिए नहीं देखना चाहिए, ठीक है। प्लिंथ एरिया मीन्स द बिल्टअप एरिया, बिल्टअप कवर्ड एरिया मेजर्ड एट द फ्लोर और लेवल टू द बेसमेंट ऑफ एनी स्टोरी, एरिया टू बी इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया एर जो नहीं इंक्लूडेड, अब हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो एरिया ऑफ वॉल्स एट फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिव प्लिंथ ऑफसेट एक्सटर्नल एंड प्रोजेक्टिव क्लैडिंग्स, ये सारी चीज़ें ऐड होती है प्लिंथ में। एडिशनल फ्लोर अकोमोडेट सीट्स इन थिएटर असेंबली हॉल एंड ऑडिटोरियम, ये सारी चीज़ें नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। कवर ऑफ स्टेयर, स्टेयर का जो कवर होता है वो ऐड करते हैं, बट बालकनी हम लोग प्लिंथ एरिया में नहीं कंसिडर करते हैं। बारहसती कर्वेचर ऑफ प्रोवाइड टू इम्प्रूव अपेरेंस, जो एस्थेटिक व्यू दिखाने के लिए वो नहीं इंक्लूड होगा। मशीन रूम हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म विदाउट कवर टेरिस हमें नहीं इंक्लूड करना पड़ेगा। पोर्च विदाउट कैंटिलीवर, ये भी हमारा प्लिंथ में कन्वर्ट होगा, बट डोम, टावर और टेरिस एंड स्पायरल स्टेयर, ये सारी चीज़ें प्लिंथ एरिया के अंदर कैलकुलेशन नहीं होती इसकी। ओके, यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिल्टअप एरिया क्या होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे आपको एरिया ऑफ वॉल मीन्स ये एरिया, उसके बाद कारपेट एरिया, ये कारपेट एरिया, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाता है आपका, मिल जाएगा आपका बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया में क्या होता है, एरिया ऑफ वॉल, कारपेट एरिया, प्लस कॉमन एरिया, मतलब स्टेयर केस, लॉबी, लिफ्ट, ये सारी चीज़ मिला के आपको क्या हो जाती है, कॉमन एरिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके पास आता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया इज़ वॉट, अब आपको अभी पता चल गया पीछे कि जो आपका यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल, जो पतली पतली वॉल्स आप देख रहे हो, ये आपका क्या होता है, कारपेट एरिया होता है। ओके, फ्लोर एरिया, इसके अंदर पोर्च अभी पीछे दिखाया हमने, ईच फ्लैट एरिया इन सिंगल फ्लोर, स्टेयर, कॉरिडोर एंड डोर, स्विमिंग स्विंग प्लेस, जितने में घूमता है डोर, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, फ्लोर एरिया में आती हैं। सेट बैक डिस्टेंस, सेट बैक डिस्टेंस क्या होता है, अब देखो यहाँ पे आपको देखो जो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में यहाँ का जगह आपको छोड़ना पड़ता है, रियर यार्ड आपको साइड में छोड़ना पड़ता है, साइड में इधर भी और फ्रंट में भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे फिक्स करते हैं, इसके लिए यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। परमिसिबल सेट बैक डिस्टेंस, ठीक है, अगर आपका जो सामने का रोड है अप टू 12 मीटर है तो परमिशन बैक सेट बैक आपको 1.5 मीटर पीछे जाके ही बिल्डिंग को बना सकते हैं, बट 12 के ऊपर है, ठीक है, 12 के अंदर है तो 12 के ऊपर है तो आपको 2 मीटर जाके छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। रोड विड्थ 3 मीटर एंड लेंथ 30 मीटर, बड़ी रोड है तो
नो सेटबैक। मतलब अगर आपको छोटी सी 3 मीटर की रोड है, जैसे गली की रोड होती है, और क्या बोलते हैं, तो आपको ज़्यादा और 30 मीटर तक ही गई है वो, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर वहाँ पे छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको सेटबैक बोलते हैं। एडवांटेज ऑफ सेटबैक्स, बेटर कंडीशन ऑफ एयर एंड लाइट वेंटिलेशन, रोड से जगह छोड़ देते हैं तो आपको लाइटिंग वगैरह अच्छे से मिल जाती है। सेट कॉर्नर एंड इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफ ट्रैफिक एंड स्पेस ऑफ पार्किंग। प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम स्ट्रीट इंसुरेंस एंड लाइक नॉइस, अब आवाज़ वगैरह बहुत हो रही है, कोई एक्सीडेंट होता है तो आप अगर रोड से पीछे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। रिड्यूस द डेंजर फायर एंड इनेवर हाउस, आपको सेफ्टी रहती है उससे कुल मिला के। इट प्रोवाइड्स द प्राइवेसी इन बिल्डिंग्स, और आप ऑफकोर्स रोड पे नहीं हो तो आपकी प्राइवेसी भी बनी रहती है। बिल्डिंग एंड कंट्रोल लाइन, द लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ बीम एडजॉइनिंग एट द स्ट्रीट और रोड और फ्यूचर स्ट्रीट में लॉफुली एक्सटेंड एज नोन एज बिल्डिंग लॉ, बिल्डिंग लाइन। आपको देखना है उसमें फ्यूचर में कोई कंडीशन, कोई चेंज तो नहीं हो रही है, अगर चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से ही आप घर को बनाइए। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्डिंग सच एज सिनेमास, फैक्ट्रीज, कॉमर्शियल एंड सेंटर अट्रैक्ट लार्ज एरिया एंड व्हीकल शुड बी सेट बैक डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग लाइन, क्योंकि इनके यहाँ पार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं उन लाइक कॉमर्शियल गाड़ियाँ आती हैं, उनके लिए भी इनको जगह छोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ के ही कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। द लाइन अप टू सच अ बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्ट इज नोन एज कंटूर लाइन, ठीक है, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटूर लाइन। ये देखिए रोड विड्थ, बिल्डिंग लाइन एंड उसके बाद कंटूर लाइन, यहां से यहां तक, तो हमें इसके बाद करना चाहिए जो भी करना है हमको, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत आपको थोड़ी सी पीपीटी ज़्यादा है, तो आप इसको छोटा छोटा करके पढ़िएगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइड ऑफ फ्लॉट्स, डिटैच बिल्डिंग्स। अगर आपका जो बिल्डिंग का प्लॉट साइज है वो 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, ओके, 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, हाँ, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रंटेज कितना छोड़ना है, उसको छोड़ना है आपको 12 मीटर। अगर सेमी डिटैच बिल्डिंग मीन्स अगर 125 टू 150 मीटर स्क्वायर के बीच में है, तो आप यहाँ पे 8 टू 12 मीटर छोड़ सकते हो। रो टाइप बिल्डिंग्स, इसमें एक तरफ से कई ढेर सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो वहाँ पे 50 टू 125 मीटर स्क्वायर आप छोड़ोगे, मीन्स 4.5 टू 8 मीटर आपको वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये छोड़ा है जगह, ये देखिए ये इन्होंने ये जगह छोड़ा है, इस तरीके से आपको पार्किंग के लिए छोड़ना पड़ता है, मतलब फ्रंटेज एरिया। इसके बाद एरिया लिमिटेशन होता है, जिसमें से आपको द लिमिटेशन ऑफ एरिया एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेंसीज क्लासेस अचीव बाई सेटिस्फाइंग फ्लोर एरिया रेशियो, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ सिटीज़ में क्या होता है, अलाउ नहीं होता कि इसके ऊपर आपको हाइट नहीं बनानी है, और ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी कौन सी सिटी का क्या लॉ है। द फॉर एंड द स्पेसिफिक टेकिंग इन टू अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट, ऑक्यूपेंसी क्लास, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस तरह का बिल्डिंग बना रहे हो या क्या कौन सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, विड्थ ऑफ स्ट्रीट फ्रंटेज, पार्किंग फैसिलिटीज़ आपको देखना पड़ेगा, लोकल फायर फाइटिंग्स एंड वाटर सप्लाई एंड इसके बाद दोस्तों आते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ओपन स्पेस, मतलब मार्जिन आपको फ्रंट से कितना रखना है और रियर से कितना रखना है और साइड से कितना रखना है, ठीक है। तो इसमें मार्जिन आपको देखना है, अगर आपका अप टू 50 मीटर स्क्वायर है तो आपको फ्रंट रखना पड़ेगा इतना, अगर आपका इतना है फ्रंट रियर एंड साइड्स, अगर आपका इतना स्पेस है तो ये, तो आप इस पैरामीटर को आप अपने पास रख भी सकते हो और इसको देख सकते हो कि इतना अगर एरिया है तो हमें इतना जगह छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लाइक है, ये पीपीटी मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ कि इसे एक दिन और भी एक इसका पार्ट टू लेके आऊँगा, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, प्लिंथ हाइट वगैरह वगैरह, अगर आप पढ़ सकते हो तो मैं इसको आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, आप एक एक करके इसको पढ़ जाइए। और इस तरीके से एक्चुअली ये जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप अच्छी प्लानिंग करते हो तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, बिल्डिंग बाय लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक यूजफुल रहा होगा, ये वीडियो बड़ी थी तो जिसने भी देखा होगा इसका मतलब उसने काफ़ी हद तक पसंद किया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाइएगा। और साथ ही साथ में एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों ने बोला सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश, तो आई सेड ओके,
I can like just to from today onwards, I'm just going to start my Unix Civil in English channel. So in that channel, I'll just discuss in English only, and like Unix Civil in this channel, I'm going to discuss only in Hindi. तो ये हिंदी का चैनल है और वो इंग्लिश का चैनल है. तो दोस्तों आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, या आप दोनों रखना, दोनों अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर लेना, आपके लिए बेटर रहेगा. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देता हूँ मैं, और कम्युनिटी बॉक्स में भी है. तो आप दोनों को देख के आपको जो जिसमें अच्छा लगे, मटेरियल लगभग लगभग दोनों में सेम रहेगा, बस वो इंग्लिश में रहेगा और ये हिंदी में रहेगा. तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यार शेयर करना, तब मैं और सोचूंगा इसका पार्ट टू बनाने का. ये मेरे पास एक ऐसी पीपीटी एक और है जिसमें और भी डिटेल में बहुत बड़ा है, तो ये मैंने शॉर्ट पीपीटी आपको दिखाई है जिसमें जो मैक्सिमम चीज़ें थी मैंने कवर करने की कोशिश की है. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.